फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनीज रूटीन ब्लॉग। तो आज मेरा ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है और इवनिंग में अभी मैं खुश के लिए दूध निकाल रही हूँ और मेरे और राजन के लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। और जो दोपहर को बर्तन वॉश होते हैं ना, तो वो मैं लगा रही थी, सारे निकाल लिए थे मैंने एक साथ और उसके बाद फिर लगा रही थी। तो उसके बाद ना आज बहुत सारी तैयारियाँ शुरू कर दी है केदारनाथ के लिए और विंटर के वहाँ पे जो गर्म कपड़े ज़रूरत होंगे वो निकाल लिए हैं आज मैंने, तो वो भी मैं अभी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और खुश के दूध के अंदर ना मैं इलायची, तुलसी के पत्ते ये सब कूट के डाल देती हूँ ताकि इस मौसम में ना बहुत बेनिफिट रहता है इस चीज़ का। और सेम चीज़ें हम हमारी चाय में भी वही यूज़ करते हैं। चाय उबल रही है, बनने रख दी है और खुश का दूध बना के यहाँ थोड़ा सा ठंडा करने रखा है क्योंकि वो बहुत गरम गरम दूध ना नहीं पी पा रहा है। और यहाँ उसकी चल रही है मूवी लायन किंग, उसको बहुत अच्छी लगी है तो कह रहा है कि मैं दोबारा भी देखूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कपड़े, गरम कपड़े निकाल लिए हैं। और ये होता है ना कि वहाँ जाने वाले हैं ना, तो अभी से थोड़े बहुत कपड़े, ये गर्म कुर्तीज़ वगैरह हैं और वो स्वेटशर्ट्स वगैरह हैं वो। फिर इसमें मैंने अभी दवाइयों की अलग पैकिंग की हुई है मैंने, और सॉक्स और वो भी सब कुछ अलग से निकाल के रख दिए हैं। तो खुश की ना गर्म जो सॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, छोटी हो चुकी है, तो इस विंटर्स में वैसे भी उसकी न्यू लेनी ही थी, तो मैं सोच रही हूँ टाइमली अभी से ही मंगा लूँ उसके लिए, है ना, क्योंकि विंटर्स को अब टाइम ही कितना रह गया, 1.5 महीने में तो हो ही जाएगा। तो बस वही तैयारियाँ मैं आज कर रही हूँ और मोस्टली नेक्स्ट वीक में हम जा रहे हैं। डेट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जल्दी ही। और पैकिंग वगैरह भी बस निकालना शुरू किया है क्योंकि ये गर्मियों के सर्दियों के कपड़ों में, तो गर्म कपड़ों में तो ये होता है ना कि इसमें थोड़ी सी स्मेल सी लगती है, वो बेड में रखे होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा धूप बहुत ही तेज़ हो रही है तो सोचा कि चलो लगा लूँगी अच्छे से धूप, क्योंकि 2 दिन से तो बारिशें थी तो नहीं हो पाया है इसी वजह से। चलिए फिर चाय वाय पीते हैं, चाय बन गई है। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो शूट किया है, मेरा जो वीडियो किट मेकिंग किट लाई थी मैं उसी का वीडियो शूट किया है मैंने, तो इससे पहले वो वीडियो चला गया है मेरा। तो बस हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर और अभी मैं वही हैंडी से ही शूट कर रही हूँ अपना, तो चलिए बाहर चलते हैं। खुश भी चलेगा ना, क्या लेने चलना है? फ्राइज खानी है खुश को और हम लोग भी घूम आते हैं थोड़ी देर, तो चलिए बाहर चलते हैं। ठीक है, चलो। गाड़ी भी आ गई है आज सर्विस से ही। कुछ आजा, अंदर आजा, ये तो हटाया नहीं इन लोगों ने, और ये तो भी हटाना पड़ेगा। ये हमारी गाड़ी, ये हमारी ड्राइवर, ड्राइविंग सीट भी ऐसे हो रखी है। और ये
गाड़ी को ना मतलब ड्राई क्लीन करवाई थी, स्पा कार का भी स्पा होता है मुझे आज पता चला है, तो वो करवाया है और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो चुकी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 5 ईयर्स हो गए ना हमारी कार को, 5 ईयर्स हो चुके हैं, है ना खुश? हाँ। और गाड़ी का कार हमारी कैसी होगी गाड़ी? न्यू बहुत अच्छी होगी, न्यू हो गई है। अच्छा, सीट बेल्ट बांधना है साइड में, कुछ पकड़ना है, एक मिनट। सीट बेल्ट बांधना बहुत जरूरी है ना? तो खुशू का अभी फ्राइज खाने का मन है और कहाँ जा रहे हैं हम? मैकडॉनल्ड्स खाने जा रहे हैं, मुझे फ्राइज खाने हैं। तो फ्राइज लेने जा रहे हैं और अंदर ही जाएंगे, मतलब ड्राइव थ्रू से ही लेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव भी करके आएंगे, है ना खुशू? ड्राइव थ्रू में बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है, आप देख सकते हो। तो मैकडी में बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है, इसी वजह से फिर हम ड्राइव थ्रू से नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल डाइनिंग में ही जा रहे हैं। खुश आगे आगे चल रहा है, माइक में ना कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा था, आपने आगे वीडियो में वो नोटिस किया होगा, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो बस हम यहाँ पे आ गए हैं और ये ना नया वाला मतलब एरिया मार्ट खुला हुआ है, आर्था मार्ट है, हमारी सोसाइटी से बहुत नज़दीक पड़ता है। तो चलिए आ गए हैं हम अंदर। मैकडी से हम मतलब खाना खाकर निकल आए थे और अब लॉन्ग ड्राइव पे हम जा रहे थे। मैंने जैसे कि बताया हमारी सोसाइटी से बहुत नियर बाय है और सर्विस बहुत अच्छी थी यहाँ पे, हमें वीकेंड होने के बावजूद भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बहुत जल्दी जल्दी सर्विस अच्छी थी मतलब उनकी। बस यहाँ पे खुशू की ड्रामे चल रहे थे, नौटंकी चल रही थी तो हम मज़े कर रहे थे, उसको बोल रहे थे हैप्पी फेस, सैड फेस, फिर एंग्री वाला फेस, सरप्राइज फेस, तो सारे फेसेस बना के दिखा रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो चलिए अब घर चलते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।